What's up guys, this is Naveen and आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 3 HyperOS की थीम लेकर आया हूँ जिसको आप अपने किसी भी MIUI 14, 13 या फिर 12 पर यूज कर सकते हैं एंड लिटरली इसके अंदर आपको HyperOS की बोर्ड एनिमेशन देखने को मिल जाती है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो एंड तक वॉच करते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट थीम जिसका नाम है HyperDev, सिंपल इसको डाउनलोड मार एंड अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो इसके आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है जो कि काफी ब्यूटीफुल आइकन्स है। ऊपर हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की विजेट देखने को मिल जाती है जो कि ये भी काफी ज्यादा ऑसम विजेट है। कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो वो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो इसके टॉगल्स वगैरह है ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली चेंज देखने को मिल जाते हैं एंड इसके जो कॉर्नर है ये भी थोड़े से आपको राउंड देखने को हमें मिल जाते हैं। सेटिंग की बात करें तो सेटिंग आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ तो चेंज देखने को नहीं मिलता बट दोस्तों जब आप यहाँ से अबाउट फोन को ओपन करते हैं एंड यहाँ से MIUI वर्जन के अंदर जाते हैं तो इसका जो UI है वो आपको यहाँ पे कंप्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है एंड आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे Xiaomi HyperOS का जो UI है वो देखने को हमें मिलता है। एंड अगर आप यहाँ से डायलर को ओपन करते हैं तो इसका UI भी वो आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है एंड आप देख सकते हैं इसका जो लुक है वो थोड़ा आपको यहाँ पे ग्रेइश एंड ब्लूइश के कॉम्बिनेशन में देखने को हमें मिल जाता है। बाकी इस थीम में आपको दो हाईलाइट फीचर देखने को मिलती है, एक तो इसकी बूट एनिमेशन एंड इसकी एक लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक डेप्थ इफेक्ट वाला जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है एंड बॉटम में आपको यहाँ पे दो शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट देखने को मिल जाता है जिसको मैंने यहाँ पे कस्टमाइज कर रखा है। एंड अगर आप भी इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं पूरी लॉक स्क्रीन को तो सिंपल आपको यहाँ से थीम को ओपन करना है एंड यहाँ पे माय अकाउंट पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है लॉक स्टाइल एंड यहाँ से कस्टमाइज पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल का, तो सिंपल आपको इसको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल आपको टैप करना है डेप्थ लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, इसको टैप कीजिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो डेप्थ लॉक स्क्रीन लोअर वॉलपेपर एंड यहाँ पे मिलता है आपको डेप्थ लॉक स्क्रीन अपर वॉलपेपर, तो आपको दोनों पे ही दोनों इमेज सेट कर देनी है। उसके बाद आपको टेक्स्ट चेंज करने के लिए आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है एंड आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पे बाद में चेक कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कस्टम प्रॉम्प्ट टेक्स्ट पर ओपन करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा, तो सिंपल आपको यहाँ से रिमूव कर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेम लिखना है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है एंड ओके करने के बाद जब आप यहाँ से लोकेशन को ओपन करेंगे तो आपका जो चेंज है वो आपको यहाँ पे चेंज शो हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी बोट एनिमेशन की। इस थीम के अंदर आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की बोट एनिमेशन देखने को मिल जाती है, तो थीम काफी जबरदस्त है, आप ट्राई करके जरूर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड हमारी सेकंड थीम जिसका नाम है हाइपर माइंड। सिंपल इसको डाउनलोड माइंड अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो इसके आइकन्स है ये भी आपको पहले वाली थीम के जैसे देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता, सेम आपके जो फर्स्ट वाली थीम है उसके जैसे इसके अंदर आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं बट आपको इसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। जब आप यहाँ से कॉर्नर से टैप करते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं चेंज हो जाता है जो कि काफी अच्छा फीचर लगा मुझे। बाकी आपको यहाँ पे जो विजेट है ये भी आपको थोड़ी सी चेंज देखने को मिल जाती है। जो कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलता बट जो इसका लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सेटिंग के अंदर भी आपको सेम वही फीचर्स देखने को मिल जाती है। जब आप यहाँ से अबाउट फोन को ओपन करेंगे एंड MIUI वर्जन के अंदर जाएंगे जो इसका लुक है ये भी आपको यहाँ पे HyperOS का देखने को मिल जाता है। डायलर को ओपन करेंगे तो डायलर भी आपको एज इट इज ही देखने को मिल जाता है। बाकी जो इसकी लॉक स्क्रीन है उसके अंदर आपको जो थोड़ा सा चेंज है वो देखने को मिल जाता है। जो इसकी विजिट है वो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस टाइप के स्टाइल देखने को मिल जाता है। कॉर्नर में आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक डेट की विजिट देखने को मिल जाती है एंड आप जो इसका लुक है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों इसके अंदर भी आप सेम वही फीचर है, जब आप यहाँ से कॉर्नर से टैप करते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं कैसी थीम है। बाकी इसके अंदर जो आपको बूट एनिमेशन देखने को मिलती है वो आपको यहाँ पे एज इट इज फर्स्ट वाली थीम के जैसी देखने को मिल जाती है। तो आप दोनों में से कोई सी भी थीम ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी फाइनल थीम की। एंड हमारी फाइनल एंड लास्ट थीम जिसका नाम है HyperUI V4। सिंपल इसको डाउनलोड मारने अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो इसके आइकन्स है ये आपको यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है एंड काफी ब्यूटीफुल इसके आइकन्स है। ऊपर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की विजिट देखने को मिल जाती है, इतनी कुछ खास विजिट नहीं है बट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी जो इसका बैकग्राउंड है वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ से कॉर्नर से टैप करना है एंड आपको जो बैकग्राउंड है वो आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। एंड आप अगर इसको अगेन टैप करते रहते हैं तो आपको यहाँ पे 3 बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं, तो जो आपको पसंद है आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंट्रोल सेंटर की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे काफी कमाल का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। जो इसके टॉगल्स है ये भी आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाते हैं एंड ये दोस्तों ब्लरी इफेक्ट के साथ देखने को मिलता है क्योंकि इसका जो लुक है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। बाकी सेटिंग की बात करेंगे तो सेटिंग आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। आप इसके जो आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे
कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है एंड जो इसके यूआई है वो काफी ज्यादा ऑसम लगता है। इसके डायलर की बात करें तो डायलर आप देख सकते हैं हमें ये भी हमें कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है। ऊपर आप देख सकते हैं हमें कुछ इस टाइप का ऊपर से ये लुक देखने को मिलता है एंड अगर यहाँ पे बॉटम में देखेंगे तो जो इसके टॉगल्स है ये थोड़े आपको राउंड शेप में देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको जो ये डायल वाला ऑप्शन है ये आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से जो इसका लुक है वो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। एंड अगर इसके लॉक स्क्रीन की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप के एनिमेशन के साथ देखने को मिल जाती है। विजिट आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है एंड यहाँ पे एक कॉर्नर में आपको डेट की विजिट देखने को मिल जाती है। एंड अगर इसके बैकग्राउंड को भी आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको होम स्क्रीन के जैसे यहाँ से कॉर्नर से टैप करना है एंड आपको यहाँ पे तीन बैकग्राउंड देखने को मिल जाते हैं तो जो आपको पसंद हो आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर। अगर आप यहाँ पे कस्टम वॉलपेपर को सेट करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे इसको ओपन करिए एंड यहाँ पे आपको जाना है थीम पर, थीम के बाद जाना है आपको यहाँ पे माय अकाउंट पर एंड यहाँ से जाना है लॉक स्क्रीन एंड कस्टमाइज पर एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन वॉलपेपर स्टाइल, तो सिंपल इसको टैप करिए एंड कस्टमाइज लॉक स्क्रीन वॉलपेपर का सेट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टम लॉक स्क्रीन वॉलपेपर चैनल पर जाना है एंड यहाँ से आपको गैलरी पर सेलेक्ट करके आपको वॉलपेपर सेट कर देनी है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपको जो वॉलपेपर है वो वहाँ पर चेंज हो चुकी होगी। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे काफी सारे जो फीचर है वो देखने को मिल जाते हैं जिनको आप दोस्तों वन बाई वन चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगर इसके बोट एनिमेशन की बात करें इसके अंदर भी आपको एज इट इज वही बोट एनिमेशन देखने को मिल जाती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी दोस्तों तीनों ही थीम्स के अंदर आपको बोट एनिमेशन देखने को मिल जाती है बट दोस्तों जो फीचर है वो तीनों के अंदर ही थोड़े थोड़े चेंज देखने को हमें मिल जाते हैं। तो आपको जो थीम पसंद है आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।